HJ न्यूज की रिपोर्ट। ज्यादा जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शनिवार का दिन जोधपुर के किन्नर समाज के लिए खुशियों की सौगात लेकर आया। इस समाज में आज एक नया सदस्य जुड़ गया। मथानिया क्षेत्र की 18 वर्षीय लड़का किन्नर को उसके माता पिता आज यहां गादीप्ति कांताबुआ को सौंप गए। इसके बाद किन्नर समाज ने खुशी के माहौल के बीच नए सदस्य को अपने रीति रिवाज के अनुसार अमर सुहाग की प्रतीक लुगड़ी पहनाकर अपने समाज में शामिल किया। इसके बाद किन्नरों ने जमकर डांस कर खुशियां मनाई। जोधपुर जिले के मथानिया क्षेत्र में अपने परिवार के साथ रहने वाले अंकित को उसके माता पिता आज किन्नरों की गादीप्ति कांताबुआ को सौंप गए। उसके परिजनों का कहना था कि अब यह 18 बिलियन रुपए की बालिग हो चुका है, ऐसे में इसकी सहमति लेकर ही इसे आज यहां छोड़ा जा रहा है। इसके बाद किन्नरों ने जश्न मनाकर नए सदस्य का स्वागत किया, फिर उसे किन्नर समाज में शामिल किए जाने की रस्म अदायगी की गई। कांताबुआ ने बताया कि किन्नर को अमर सुहाग की प्रतीक लुगड़ी उड़ाई जाती है, इसके साथ ही गले में मंगलसूत्र भी पहनाया जाता है, हाथों में सुहाग की प्रतीक चूड़ियां पहनाकर इससे जुड़े अन्य प्रतीक चिन्ह पहनाए जाते हैं। समाज में शामिल होने के लिए आवश्यक है कि नया किन्नर किसी अन्य किन्नर को अपना गुरुवार बनाए। ऐसे में कांताबुआ के निर्देश पर किन्नर पायल को उसका गुरुवार बनाया गया। इसके बाद उसकी गुरुवार पायल ने अंकित को नया नाम रेखा प्रदान किया।